भाई साहब 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। हेलो एवरीवन, हम आर गणेश एंड वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं योगा क्लासेस से वापस आ गई थी और अभी मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में पोहे बनाए, मौसम बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं योगा क्लासेस गई थी तब ओके था, जैसे कल बहुत तेज धूप थी और अचानक से हम जब योगा कर रहे थे इतनी तेज आंधी है और फिर इतनी अच्छी वाली बारिश आई ना, बहुत चिल्ड मौसम हो गया। और अभी भी स्टिल ना हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। और कल हम लोग गए थे ना वहाँ पर मंदिर के लिए आमेर, तब बहुत गंदा, तब इतना अच्छा मौसम नहीं था। अगर कल इतना अच्छा मौसम होता ना तो हम चलो मंदिर के पट बंद हो गए, बट हम बाकी जगह घूम सकते थे। बट कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि फटाफट घर ही ले आए। तो बस अभी पोहे बनाए हैं, निकवैसा को दूंगी। और आज अभी हमारे निकवैसा जा रहे हैं, उनकी सुबह 9 अभी 8:30 बज रहे हैं, अभी सुबह 9 बजे की उनकी बस है। तो फटाफट नाश्ता कर लेते क्योंकि ये क्या फ्रेश होने गए, अगर इनको सबर नहीं रहेगा फिर आते ही तो बाट लगाएंगे। तो ये रे पोहे, तो मैं फटाफट डाल देती हूँ और मैं निकवैसा खा लेते हैं फिर। मम्मी निकवैसा आ जाओ नाश्ता कर लो। अब भैया कहाँ गए, आए नहीं क्या अभी तक? जल्दी करो, बाट लगा देंगे। मम्मी इतने मटर मैं भी खाऊंगी ना साथ में। अच्छा साथ खा लो, फिर आओगे आप सर्दियों में साथ खाने। नमकीन डालो? नहीं अभी एक भुजी हो गया, कुछ नींबू डालो क्या? नींबू डाल दिया मैंने, आधा नींबू इसके तरफ है बस। चलो कपड़े के भरोसे चप्पल अंदर डाल। हाँ भाई लाग रहे थे तो मादम चाहिए बम सुपर के लिए भाई। आज मगर निकल जा रही थी टाटा बाय बाय। आज आखिरी बार बैठ पोया खा रही थी भाई, आज का आखिरी बार जो खा रही है। आज का दिन को पूरी बात सुने, अगर थारी बहुत बुरी आदत है आज का दिन को आखिरी बार क्यों भाई? मम्मी भाई सही बात कौन बोली गई? मैं मम्मी आपको दुख हो रहा है कौन खुशी हो रही है मम्मी? इसका सामान रखा हूँ मैं। ओहो यही जाना मम्मी एक बैग ले रही थी, दो ले जाएगी, दो के साथ तीन फ्री होगा। जाने से पहले आप लोगों ने हमेशा देखा है जब भी निकु ऐसा करने से जाते हैं तो थड़ी पुजवाते हैं, मोस्टली तो निकु वैसा के साथ ही होती है रसम। कन्नु वैसा तो क्या आते जाते रहते हैं, इसलिए इसे थड़ी पुजाना कहते हैं रसम को। चलो आओ हेलो बस, हर बार तो अर्शु भी रहता है, दोनों का साथ किला करती हूँ। तू भी चाल दीजिए छोड़ बन। हाँ तो चले, मैं हमेशा ही जाती हूँ। लुबड़ी के बांगले यहाँ बैठ जाओ, तो आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं मेरे को ऐसे, मैं तो देखी और पीछे बैठेंगे ऐसे बोलो। तो हम लोग आ गए बस स्टैंड पे और निकु भाई से गए वॉशरूम और ये गाड़ी में सामान रखे बस में। ये वाली बस है निकु भाई से गई करण महाराजा, ये हमेशा यही करते हो ना? निकु भाई से इतना सामान लेके कैसे जाएंगे? तो वहाँ उतार देंगे, वो तो वहाँ आ जाएंगे। दो बैग तो रख के आ गए दो अभी, अच्छा एक और बचा है। कितने बैग थे से? पांच बैग थे। सारे ले लिए ना? लॉक लगा दो गाड़ी में।
गई भाई टाटा। गुड मॉर्निंग पिपी, आप उठ गए? हाय एवरीवन, तो अभी हो चुकी है दोपहर और खाने का टाइम हो गया। तो आज बच्चों के खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो दाल मैंने चढ़ा रखी है, ऑलमोस्ट बॉयल हो गई, चावल भी बन गए, बच्चों के तो बन गए, और जो मेरे ब्राउन राइस है वो मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने क्या भिगो के रख दिए थे, जब निकू वैसे को छोड़ के आए थे उसी टाइम मैंने अपने लिए ब्राउन राइस और इसमें जो तूर दाल होती है ना अरहर की दाल वो भिगो के रख दी थी। तो अब इसका पानी निकाल के और इसको कुकर में चढ़ाएंगे क्योंकि अब लंच का टाइम हो रहा है, अभी 1 बज गए आई थिंक। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से हरे मटर, फ्रोजन मटर जो कि पत्थर जैसे हो गए, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये रहे फ्रोजन मटर जो कि ऐसे हो गए चिपके, क्योंकि फ्रीजर में रखे थे और मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दाल बच्चों की हो गई है, बंद कर देती हूँ ये तो, मतलब मुझे हर चीज़ में मटर दे दो इसलिए मैंने फ्रोजन मटर मंगाए थे। इनको डालने से ना मतलब कोई फीका खाना भी बना, सिंपल राइस आप बना रहे हो उसमें भी टेस्ट आ जाता है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। तो बस अभी मैं इसमें मटर और मिलाऊंगी अपने ब्राउन राइस में। तो ये बन गए हैं राइस, सिंपल राइस जो बच्चे मम्मी और ये खाएंगे, और ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है दाल, ये रही। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप लोग पूछोगे, इसमें मैंने पहले दाल में हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया था दाल को, उसके बाद मैंने इसमें जीरा हींग और कढ़ी पत्ते और टमाटर उसका तड़का लगाया। इसमें बस टमाटर है और मैंने कुछ भी मिर्च वगैरह नहीं डाली बच्चों के साथ, हाँ थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। तो दाल बन गई, आज बच्चे दाल चावल खाएंगे। और ये मेरे ब्राउन राइस और मैंने दाल भी होके रखी है, कुकर में भी मैंने बच्चों की दाल उबाली थी तो इसी में मैं मेरे चावल बना लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों की दाल रखते हैं एक घर में, 1 2 1 2 3। तो निको वैसे को जाना था तो मम्मी ने उनके लिए चूरमा और छोले की सब्जी बनाई, तो अभी मैंने ये सब बना दिया। चलो सर, गेट भी नहीं लगाया ना, तो ये दिक्कत है। हाँ, अरे डर गया। तो क्या हुआ? आ गई। तो ये है मेरा लंच, ये है ब्राउन राइस, छोले की सब्जी, दाल, दही और सैलेड। वेरी गुड, फुल ऑफ प्रोटीन। ये इसका लंच और वो हमारे रुद्र का लंच। आजकल इनको खुद को खाना सिखा रहे हैं, आजकल थोड़ा बहुत बिखेरते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। मैंने उसको छोटे छोटे लड्डू टाइप बना के रख दिए, वो खा रहा हूँ। और ये हमारी रिद्धि का लंच, रिद्धि आजकल खुद खाना सीख रही है। रिद्धा खा लो बेटा, खा लो। ले भाई आप भी खाना खावा। हाँ भाई खाना परांठे बना रही है मेरे लिए। ये तो खाती नहीं आजकल रोटियाँ। आपके लिए मैंने बनाया लच्छा पराठा, पर थोड़ा सा ऐसा बनेंगे। लच्छा? लच्छा में खाई हुए मतलब कई सारे लेयर करके बनाया। खाली ले लो, आपकी गरम गरम खा लो। ठीक है, प्लेट लाओ आपकी। प्लेट ले भाई, दे दे फटाफट। सबके लिए बना रही है क्या परांठे आज? हाँ।
मम्मी तो चावल खाएंगी। चावल? मम्मी चावल के शौकीन है ना, मम्मी तो चावल बनवाए। इसमें और घी डालू? हाँ डाल इसमें। बस बस सब्जी ये कमाल निकाल दे ये कानी। हाँ 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 मजा आ गया आज तो भाई लंच को है। सुबह एक तो बढ़िया मौसम हो रहा है, मन का आज परांठा बना ले। और बार बार पड़ रही है धूप भयंकर, पर कोई बात नहीं परांठा तो बढ़िया ही है। थैंक यू भाई खा लो। ये तू कहाँ आ गए अपन? पीछे पीछे भाग गए। तो हम लोग आ गए बच्चों को पार्क में लेके। आज निकू भाई सनी है उनकी जगह मैं आई हूँ उनकी सब्स्टिट्यूट बन के। सब्स्टिट्यूट बन गई है वो है ना। हाँ? वो छोटा बच्चा वो है ना बच्चा। हाँ? रुद्र के पीछे पीछे भाग रहा तो रिद्धि करिए माऊ माऊ उसके पीछे। मैं ही मार सकती हूँ इसको है। और कोई इसके पीछे बताओ। हाँ। मेरा भाई है रुद्धि, इसको फसल पट्टी पे चलाओ ना रुद्र को। हाँ बेटा रुद्धि रुद्धि मामा देख मामा 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 हाँ और है मामा ना मामा रुद्र मामा खा रुद्र मामा कहाँ है रुद्धि मामा ऊपर है दोनों खेल रहे देखो। नहीं रिद्धि रिद्धि के साथ क्या खेलते खेलते ना पीछे से पकड़ लेते चूटा भर लेती है। और हमारा रुद्र की ना एक चीज अच्छी है निकू भाई सर के आने से, मतलब वैसे तो सब चीजें अच्छी होती है वो आते हैं घर है, बट एक सबसे अच्छी चीज ये हुई कि निकू भाई सर ने इसका अंगूठा छुड़वा दिया। मतलब हम लोग थक गए थे नीम का पेस्ट एलोवेरा का पेस्ट आप लोगों ने बताया वीडियो में, बहुत से लोग बताते थे ये लगाओ, हमने सब चीजें करके देख ली थी पर हमारा रुद्र अंगूठा नहीं छोड़ता था। पर पता नहीं हम लोग घूमने गए थे तो पीछे से निकू भाई सर इसको आंखें दिखा देते थे कर तो ये डरने लग गया था उनसे, तो वो आंखें दिखाते थे अंगूठा निकाल देता, तो ये अंगूठा मतलब पूरी तरह से हमारा रुद्र अब रात को भी नहीं पीता दिन में भी नहीं पीता, मतलब अंगूठा छोड़ दिया। ये दोनों का किचन में खेल रहे थे तो रुद्र को क्या कुकर की ढक्कन की रिंग नहीं होती वो मिल गई ये वाली देखो। अब रिद्धि को भी सेम चीज, तो इंतफाक से हमारे पास दो है तब दोनों ने ले ली, रुद्र ने सर में लगाई तो रिद्धि भी सर में लगा रही, देखो दोनों क्या कर रहे हैं। अभी भी उसको देख के सर में लगा रही है वो लगा रहा है ना, देखो इसने लगा लिया ना रिद्धि भी लगाएगी, रिद्धि को चीजें कम आती है। ये रोटी बना रहा है क्या बेटा? ऐसे रोटी बनाता है? अरे वाह चले आ गए हम डेकेथलॉन। चलो आ जाओ चलो भाई रिद्धि को नीचे छोड़ दो ना अंदर छोड़ दो, भूल जाते हो क्या चलने लग गई? आज हम आए मोटी के परचेज करने। हाँ हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आए डेकेथलॉन में जो कि मोस्टली लोगों को पता होगा यहाँ स्पोर्ट्स वेयर ज़्यादा मिलता है, तो मुझे एक तो अपना योगा के लिए मैट चाहिए था एक्चुअली, अभी जो मैं यूज़ करती हूँ जहाँ मैं योगा करती हूँ ना उन्हीं का ये, और वो मतलब उन्हीं का ये, तो मुझे पर्सनली अपना अलग से चाहिए था तो इसलिए मैं योगा मैट लेने आई हूँ, और कुछ मुझे और भी अपने लिए स्पोर्ट्स वेयर लेने, तो ये बोले चल डेकेथलॉन चलते हैं वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो बस इसलिए आया। पीपी पीपी यहाँ पे सारे फोल्डेबल भी पड़े हैं, फोल्डेबल चेयर। और भाई किसी को कैंपिंग वैम्पिंग का शौक हो तो कैंपिंग भी कर सकते हो, 2400 रुपये का सही है यार। सही होगा इसके अंदर रजाई गद्दे तो हैं, तकिए भी हैं, रजाई अपनी खुद की लानी पड़ेगी। यहाँ ये सारा जिम का सामान है, ट्रेडमिल 45,000 रुपये 46,000 रुपये। अच्छे भी लग रहे नहीं? वाओ बट मैं कलर अलग लूंगी फिर क्या वो मिक्स नहीं जाएगा? वो तेरा ले जाएगी उठा के। तो मैंने तीन चार चीजें ली हैं अपने लिए, यहीं खेलने आ जाएगा पुलिस को लेके। दो बॉल लेके लेके रुद्र की ठीक है ऐसे चलते थे। ओ चलो चलो सारा सामान ले लिया, ये कह रहे वही ले जो तेरे को चाहिए, मैंने कहा मुझे दिखा क्यों रहे हो, खुद ही दिखा रहे थे। पता तो होना चाहिए भाई, देखो
आप कितने इंच के हो, खड़े हो यहाँ पे, चलो कितने सेंटीमीटर है हमारी रिद्धि, देख खड़ी कर इसको। ओह भाई साहब 80 सेंटीमीटर है ये, 80 सेंटीमीटर 10 इंच ही है ये। बोपू तो जी पिची पिची ले लो फिर आप, एक ले लो रुद्दू के। नहीं हो गया बिल्ली, गार्ड के पास भी पहुंच गया। चलो दिया बैठ के खेल रही है, अभी निकल ही नहीं रही इसके अंदर से। हाँ चलो घर चलेंगे, चलो 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 घर चलेंगे। तो चीता है, चीता अरे तो गोदी में ले लो, ऐसे नहीं आएगी, वो ही खेलेगी। और ये दानी रही यहाँ से, अरे चीता है इसमें, चीता। अच्छा पापा आपके लिए लेके आएंगे ऐसा, ठीक है अगले महीने ये वाला ले आना। ये कितने का ही ट्यूब? तो ये रही हमारी शॉपिंग हो गई, नीतू नाम से भैया, हो गया।